सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग तो कल ही तुलसी विवाह कर लिए होंगे, लेकिन मैं आज करूंगी। और कल शाम में मैं मार्केट गई थी और वहां से मैं पूजा कर जो भी तुलसी जी का पूजा का सामान होता है वो मूल्य कराई। तो ये चुन्नी लाई हूँ एक, और ये लेकर आई हूँ चौकी पे बिछाने के लिए, आसन देने के लिए। एक और चुन्नी लाई हूँ जिससे हम उनका गठबंधन करेंगे। तो ये लेकर आई हूँ, बड़ा सा एक लेकर आई हूँ, और एक पीला भी मैं लेकर आई हूँ, और एक वैसे ही ये चढ़ाने के लिए एक ब्लाउज पीस श्रृंगार के सामान के साथ चढ़ाने के लिए। ये सब सारा श्रृंगार का सामान है उनका, चूड़ी सिंदूर बिंदी और काजल वगैरह भी है इसमें, काजल है। और ये है, ये बिछुआ है, ये मैं लेकर आई हूँ तुलसी जी को चढ़ाने के लिए। और मेहंदी वगैरह जो भी होता है ये सारा सामान श्रृंगार का उनका है, और इसके साथ में ये वाला ब्लाउज का पीस भी मैं चढ़ाऊंगी। तो ये है उनका श्रृंगार का सामान। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, दोपहर का खाना बनाऊंगी, और उसके बाद मैं शाम में धीरे धीरे तैयारी करूंगी। और आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग से बने रहिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी वीडियो या ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स का ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम है, तो थोड़ा बहुत मैं डेकोरेशन भी यहाँ पे करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे करूँगी तो टाइम हो जाएगा, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है तो समय होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर शाम का टाइम हो जाएगा, तुलसी विवाह करने का टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत मैं आर्टिफिशियल फ्लावर से थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दे रही हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा लुक अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट वगैरह भी लगा दूँगी, और ये चौकी मैंने रख दिया, और थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे प्लांट वगैरह रख दिया। और देखिए तुलसी जी को मैं नीचे रखी हूँ, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ, तो ये नई तुलसी जी हैं, इनको मैं सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो इन्हीं का विवाह करूँगी। तो देखिए डेकोरेशन वगैरह कर दिया, लाइट लगा दिया, कितना अच्छा लुक निकल कर आ रहा है, थोड़ा सा रात में और अच्छा लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर तुलसी विवाह करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं कलश वगैरह रखूँगी, तो आम का पल्लव वगैरह डाल के अंदर मैंने कलश में सुपारी और पैसा अक्षत ये सब डालकर हमने पहले से रख दिया था। तो ये हमारी पूजा शुरू हो गई। पे वरमाला हमने एक दूसरे से स्पर्श करा के और पहना दिया, और फिर मैंने इनको बिछिया वगैरह पहना दी, सिंदूर वगैरह हो गया, और मैं चूड़िया वगैरह डाल दूंगी। तो सारा श्रृंगार कर दूंगी, और जो हमारे पास श्रृंगार का सारा सामान है उनके पास मैं रख दूंगी, जो भी हमारे पास श्रृंगार का सामान है। बिंदी वगैरह भी हमने लगा दिया है, तो सब उनके पास रख दूंगी स्पर्श करा के, और प्रसाद वगैरह भी स्पर्श करा दूंगी। तो हमारा तुलसी विवाह सम्पन्न हो गया, और थोड़ा सा मैंने फूल अच्छे से तोड़ के रख दिया। दीपक वगैरह भी जलाऊंगी, आरती करने के बाद ना दीपक वगैरह भी जला दूंगी।
तो देखिए यहाँ पे आरती भी हमारी हो गई, अब दीपक वगैरह जला दूंगी तो और भी अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए हमने सारा दीपक जला दिया और कितना खूबसूरत लग रहा है, और मैं ऊपर से ना फूलों की बारिश कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरी भजन चल रही थी लेकिन वो मैंने साउंड में नहीं दिया है कि कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए, लेकिन भजन हमारा चल रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से हमारा तुलसी विवाह हो गया। विवाह संपन्न हुआ और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है सचमुच में शादी का माहौल बन गया होगा और बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो हमारी परंपरा चलती आ रही है उसे हमें ज़रूर करना चाहिए, जितना हो सके उतना में ही करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ करें, बस जितना हम सक्षम हैं, जितना हम कर सकते अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार हम उसे करें। तुलसी माँ का विवाह संपन्न हुआ और मेरी ये तुलसी विवाह वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।